नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गलेक्सी F41 के बारे में। दोस्तों इस फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस फ़ोन में अपडेट का काफ़ी टाइम से इंतजार था, क्योंकि हर फोन में अपडेट आ रहे थे सैमसंग के में, पर इस फ़ोन में दोस्तों अपडेट नहीं आ पा रहा था। तो इस फ़ोन में दोस्तों फाइनली सैमसंग के गलेक्सी F41 में एक नया अपडेट आ चुका है। बट दोस्तों इस अपडेट को करने के बाद कुछ नई नई बातें देखने को मिली हैं, जिनके बारे में दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि जब आप अपने फ़ोन में इस अपडेट को कर लेते हो, तो आपको दोस्तों वो जो नए नए फीचर हैं यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे इशू हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास भी गलेक्सी F41 देखिए, और मैंने इसमें इस अपडेट को नए वाले को कर लिया है। तो इस अपडेट को करने के बाद मुझे इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, क्या क्या कमियाँ देखने को मिली हैं, और क्या क्या दोस्तों नए नए फीचर देखने को मिले हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों लोग क्या करते हैं, अपडेट की जैसी पता चलती है वो अपडेट कर लेते हैं, लेकिन उनको जब पता ही नहीं होता कि इस अपडेट को करने के बाद हमें हमारे फ़ोन में क्या क्या नया देखने को मिला है। तो सबको बताऊंगा वीडियो में। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो अपडेट है सैमसंग गलेक्सी F41 में, इस अपडेट के लिए लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों लास्ट जो अपडेट था सैमसंग गलेक्सी F41 में, उस अपडेट के आने से उनके लोगों को दोस्तों F41 में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। किसी के फ़ोन में बैटरी कम चल रही थी, किसी की बैटरी चार्ज होने में ज़्यादा टाइम ले रही थी, और दोस्तों किसी का फ़ोन ज़्यादा लैगिंग कर रहा था। बट दोस्तों ये जो अपडेट है, ये अपडेट आ चुका है। और दोस्तों इस अपडेट में हमें क्या नया देखने को मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप इस अपडेट को अपने फ़ोन में कर लेते हो तो दोस्तों आपके जो पुराने जो बक्स थे वो फिक्स हो जाएंगे। दोस्तों दो चार ऐसे फीचर दिए गए हैं जो आपको महसूस नहीं होंगे कि इसमें चेंज कर दिए गए हैं या फिर नए कर दिए गए हैं। बट जब आप अपने फ़ोन को यूज़ करोगे तब आपको धीरे धीरे करके पता लगेगा कि हाँ आपके फ़ोन में कुछ चेंजेस हुए हैं। और दोस्तों आपके फ़ोन का सिक्योरिटी पेज लेवल 1 जून में कर दिया गया है। पुराने दोस्तों जो बक्स वो फिक्स कर दिए गए हैं। आपकी बैटरी जो पहले दोस्तों कम चलती थी, अब शायद थोड़ा एक्स्ट्रा चलने वाली है। दोस्तों पूरा कन्फर्म नहीं है, जी तो यूज़ करने के बाद ही पता लगेगा। बट दोस्तों ऐसा बताया गया है कि आप इस अपडेट कर रहे हो तो आपके फ़ोन की दोस्तों बैटरी पहले से ज़्यादा चलेगी और चार्जिंग टाइम दोस्तों पहले से कम होगा। यानी दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन का जो चार्जिंग टाइम है वो दोस्तों कम से कम 1.5 घंटे है, बट इस अपडेट करने के बाद शायद कुछ टाइम कम लगेगा आपके फ़ोन को चार्ज होने में। और दोस्तों हीटिंग प्रॉब्लम थी इस फ़ोन में, थोड़ी लैगिंग प्रॉब्लम थी, दोस्तों सब सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों इस अपडेट का साइज़ की बात करें तो दोस्तों ये अपडेट 438 MB का है। दोस्तों 438 MB के अपडेट में हमें थोड़े बहुत बक्स फिक्स होने को देखने को मिल रहे हैं, और सिक्योरिटी पेज लेवल हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा 1 जून का, और पुराने दोस्तों जो बक्स हैं वो फिक्स हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं कि इसमें हमें नए नए फीचर क्या देखने को मिले हैं। तो दोस्तों मैंने इसको अपने फ़ोन में अपडेट कर लिया, इस अपडेट को, और मुझे इसमें कोई भी नया चेंजेस देखने को नहीं मिला कि दोस्तों इंटरफेस अलग हो गया हो, या कोई नए नए एप्लीकेशन इंस्टॉल हुए हों, या कुछ नोटिफिकेशन दोस्तों बार होता है उसमें कुछ चेंजेस हुए हों। सब कुछ सेम वैसा ही है जैसे पहले था, बट कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं सेटिंग के अंदर, उसके अंदर दोस्तों कुछ चेंजेस हुआ हो तो वो यूज़ करने के बाद ही पता लगेगा। जब आप अपने फ़ोन में अपडेट कर लोगे तो आपको कुछ ही दिख जाएगा कि आपके फ़ोन में हल्के हल्के माइनर से चेंजेस क्या हुए हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे चेक करोगे अपडेट करने के बाद तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया होगा कि इस अपडेट में हमें क्या नया देखने को मिलता है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और दोस्तों कितने सॉफ्टवेयर, और दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है कितने MB का है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।